Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. In previous video we talked about the concept of religion. Today we are going to start second topic, that is evolution of religion. We had already discussed this topic in previous lecture series of primary social in institution. Today we are going to review it again. Let's start our topic. जो एवोल्यूशन है रिलीजन का, ये बिगिन होता है जब इंसान ने अपना रैशनल ब्रेन और रीजनिंग पावर यूज़ किया, जिसकी वजह से हमें फॉर्मेशन देखने को मिला मॉडर्न रिलीजन का, जो कि मेनली बेस्ड अपॉन था रैशनल और रीजनिंग इमेजिनेटिव रिलीजन पे. सो जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपना जो ब्रेन है उनका उसका यूज़ करना अच्छे से किया. सो जिसकी वजह से उन्होंने डेवलप किया रीजनिंग और थिंकिंग पावर अबाउट द नेचुरल फिनोमिनास, नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट्स, पर डेथ, विंटर, समर, हॉट, कोल्ड, फायर, एयर और बहुत सारे नेचुरल थिंग्स पे उन्होंने रीजन करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्होंने इमेजिनेटिव रिलीजन्स और रीजनिंग पावर डेवलप किया अबाउट दिस एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स. सो जो फॉर्मेशन है मॉडर्न रिलीजन का वो बिगिन होता है होमो इरेक्टस से, जो कि ग्रुप था ह्यूमन बींग्स का, जो कि रहते थे मेनली इन सवाना हैबिटेट ऑफ अफ्रीका एट अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो. ड्यू टू द एरिड क्लाइमेट वहाँ पे जो ज़मीन थी वो सूखी पड़ गई, जो कि मेनली हमें फिर देखने को मिला टर्न वो हुआ फिर सवाना हैबिटेट में, जो कि टोटली डेजर्ट हैं. ड्यू टू द रीज़न जो ह्यूमन स्पीशीज थी वहाँ पे होमो इरेक्टस, उन्होंने अपना जो उनका हैबिटेट था वो लॉस हुआ उनका, जिनका जो ऑक्यूपेशन था वो मेनली है उनके हैबिटेट पे बेस्ड अपॉन था, वो मेनली हंटिंग और गैदरिंग करते थे. देन उसके बाद हमें अनदर पीरियड देखने को मिलता है एक्सल एज का और मॉडर्न रिलीजन का. ये ऐसा पीरियड है कि जब हमें एग्रीनियन सोसाइटीज़ मेनली देखने को मिलती थी, जो भी सोशल ग्रुप्स थे वो बिलोंग करते थे डिफरेंट रिलीजन्स थे, जो कि प्री मॉडर्न रिलीजन्स हुआ करते थे. सो ये जो प्री मॉडर्न रिलीजन्स हैं ये अथॉरिटेटिव बने अदर रिलीजन्स पे जो कि उस समय एग्जिस्ट करते थे. सो हर एक रिलीजन का अपना ओन लोकल सोसाइटी हुआ करती थी. सो दैट टाइम जो सुपीरियर और अथॉरिटेटिव रिलीजन जनस थे वो रिलीजन्स थे जिनके पास ज़्यादा पावरफुल और लार्ज मिलिट्री हुआ करती थी. ड्यूरिंग एक्सल एज अराउंड 8th to 3rd century BCE, सो जो भी डोमिनेंट रिलीजन पावर्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्होंने अपने जो उनके पावर्स थे वो लूज़ किए. फॉर एग्जांपल एक्सल एज के दौरान जो डोमिनेंट और रीजनल पावर था चाइना में, उसे हम जाहो कहते थे, वो डिसइंटीग्रेट हुआ. दैट टाइम जो भी एस्टेब्लिश्ड रिलीजन था वो उसने अपना लास्ट किया पावर विदाउट रिलीजन. जो सम थिंकर्स हैं वो डाउट करने लगे अबाउट द रिलीजियस इमेजिनेशंस इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस सिंबल्स, रिचुअल्स एंड अदर स्टेट्स ऑफ द रिलीजन. इसी तरह जो कॉन्फ्यूशियस हैं, जो कि थिंकर हैं एक्सल एज का, वो कहते हैं कि वी कॉल्ड विजडम टू वर्क टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल एंड प्लेइंग रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स. मीन्स लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना उसे हम विजडम कहेंगे, और रेस्पेक्ट करना जो भी स्पिरिट्स हैं. बिसाइड्स दैट जो भी अदर थिंकर्स हैं लाइक बुद्धा, लाजो, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कंसेप्ट ऑफ द रिलीजियस इमेजिनेशन. वो मेनली यूज़ करते हैं अपने रीजनिंग पावर को एनहेंस करने में ह्यूमन सर्वाइवल को, बट एट द सेम टाइम उन्होंने गिव अप नहीं किया रिलीजन्स इमेजिनेशन से. उन्होंने भी यूज़ किए सिंबल्स, उन्होंने भी परफॉर्म किए रिचुअल्स और अदर रिलीजियस स्टेटस थ्रू इमेजिनेशन और रीजनिंग पावर. देन उसके बाद हमें पीरियड देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, जो कि स्टार्ट हुई एट अराउंड 250 ईयर्स एगो, जो कि मेनली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी. वो रिप्लेस हुई इकोनॉमी बेस्ड इकोनॉमी पे, जो कि मेनली बेस्ड अपॉन थी लेबर और मशीनरी पे, जिसकी वजह से हमें इरेडिकेशन देखने को मिला पॉवर्टी में. एज यू नो दैट इसका जो बिगिनिंग है वो हमें मिड 18th century और 19th century में देखने को मिलती है इन ब्रिटेन. देन इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये स्प्रेड हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली ह्यूमन लाइफ कंडीशंस पे, जो कि मेनली बेस्ड अपॉन थी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़,
जो कि टर्न हुए इनटू द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, जिसकी वजह से जो लोग थे वो रेस्ट रिलीजियस बन गई, रिलीजन बन गए, जो कि कॉमन हमें देखने को मिलता था। देन पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द लेट 20th सेंचुरी विद रिवोल्यूशंस। सो जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने डेवलप किए कंप्यूटर्स, फोन्स, वायरलेस नेटवर्क्स। देन जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न एंड डाइवर्स रैशनल इमेजिनेटिव रिलीजन को। देन उसके बाद स्टार्ट होता है पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसे हम रिगार्ड करते हैं पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का पीरियड। सो जो ग्लोबलाइजेशन है ये डिराइव हुई फ्रॉम ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क से। थ्रू भी जो ग्लोबल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से हमें ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर। बिसाइड्स दैट डिफरेंट कंट्रीज ने स्टार्ट किए प्रोड्यूस करने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल्स, और इंटरनेशनल ट्रेड का हमें शुरुआत देखने को मिली, जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने अपनी ओन ट्रेड सिस्टम एस्टेब्लिश किए, जिसकी वजह से जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें राइज देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम जो राइज हुआ डिजिटल मीडिया का, स्पेशली इंटरनेट, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिलता है न्यूज़, आर्ट्स, म्यूज़िक, फैशन और पॉलिटिकल मूवमेंट ग्लोबली। सो जो पीपल हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ग्लोबली। सो जो दुनिया है ये अब ग्लोबल विलेज बन गई है। सो इसकी वजह से हमें फॉर्मेशन देखने को मिली पोस्ट मॉडर्न रिलीजन्स की। सो जो पोस्ट मॉडर्न रैशनल इमेजिनेटिव रिलीजन्स हैं, ये कॉम्बिनेशन है मॉडर्न रैशनल इमेजिनेटिव रिलीजन्स का और ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कि डिराइव हुई फ्रॉम द मल्टीपल कल्चर्स और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के थ्रू। जो ग्लोबलाइजेशन है ये टेक प्लेस हुई अमंग द डिफरेंट कल्चर्स, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिली। सो जो ग्लोबलाइजेशन है, डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो लैक करते हैं सम स्टैंडर्ड्स लाइक कल्चरल ऑब्जेक्टिविटी या रियलिटी, मॉरलिटी, ट्रूथ, ह्यूमन नेचर, रीजन, लैंग्वेज एंड सोशल प्रोग्रेस। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स सो हमें पोस्ट मॉडर्निज्म देखने को मिली, जो कि मेनली बीसड अपॉन थी ब्रॉड मूवमेंट जो कि डेवलप हुई अराउंड द 20th सेंचुरी, जिसे हम कैरेक्टराइज करते हैं थ्रू डाउट, डिसबिलीफ अबाउट द रियलिटी, कंसेप्शंस अबाउट ट्रूथ, लीगल सिस्टम्स एट्सेट्रा। सो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये डिस्ट्रस्ट हैं ऑन द रिलीजियस स्क्रिप्ट्स आइडियोलॉजीज। इंस्टेड जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये बिलीव करती हैं उस नॉलेज पे जो कि मेनली बेस्ड अपॉन होती है ट्रूथ, बेस्ड अपॉन होती है ट्रूथ ऑन द डिफरेंट स्फीयर्स लाइक सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल डिस्कोर्स और इंटरप्रिटेशंस। बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये एस्टेब्लिश करता है ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी को विथ मल्टीपल कल्चर्स। सो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये एक रिफ्लेक्शन है बहुत ही लो और नॉन एग्जिस्टेंशियल प्रेशर्स ऑफ रिलीजन्स की, जो कि अलाउ करती हैं ह्यूमन बींग्स को कि वो अपनी लाइफ कम्फर्टेबल के साथ, लेजर के साथ रह सके, हैप्पी रह सके विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। सो मेनली हमें सेक्युलराइजेशन देखने को मिलती है। देन उसके बाद हमें बिगनिंग देखने को मिलती है पोस्ट मॉडर्न रिलीजन की फ्रॉम ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मॉडर्न रिलीजन की, जो कि स्टार्ट होती है जब रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक्सपेंड होती है फ्रॉम प्री मॉडर्न लोकल सोसाइटी से मॉडर्न रीजनल सोसाइटी हैबिटेट तक। इन अदर वर्ड्स जो रैशनलिटी है इसमें ऐड किया गया है इमेजिनेशन को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न रैशनल और इमेजिनेटिव रिलीजन के लिए, जिसमें जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपना जो इमेजिनेशन था उनका वो उन्होंने लीव नहीं किया। इन द सेम वे जो रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट थी वो एक्सपेंड हुई फ्रॉम मॉडर्न रीजनल सोसाइटी हैबिटेट से पोस्ट मॉडर्न ग्लोबल सोसाइटी हैबिटेट तक। इन अदर वर्ड जो डाइवर्सिटी है इसको ऐड किया, इसमें ऐड हुआ वन मोर आस्पेक्ट रैशनलिटी और इमेजिनेशन फॉर्म करने के लिए पोस्ट मॉडर्न डाइवर्स रैशनल रिलीजन को। फॉर इंस्टेंस जब लोगों ने फेस किया सुपर नेचुरल प्रेशर्स को अपनी लाइफ में, देन दैट टाइम उनके लिए अर्जेंट रैशनलिटी और रिलीजियस इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती थी फॉर देयर सर्वाइवल। एज ए रिजल्ट हमें पोस्ट मॉडर्न रिलीजन देखने को मिलता है जो कि हेल्प करता है लोगों को अंडर द
सच एग्जिस्टेंशियल प्रेशर्स, जहाँ पे वो अबेंडेंट और कम्प्लीटली लीव नहीं करते रैशनल इमेजिनेशन को, और वो कम्प्लीटली फॉलो भी नहीं करते कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म का. सो जो पोस्ट मॉडर्न डाइवर्स रैशनल इमेजिनेटिव रिलीजन है, ये रिकॉग्नाइज करता है बहुत सारी नीड्स ऑफ डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को, ताकि ये टॉलरेट और अंडरस्टैंड करे डाइवर्सिटी अंडर सच एग्जिस्टेंशियल सुपरनेचुरल प्रेशर्स, जो कि एनहेंस करती हैं चांसेस फॉर द सर्वाइवल अंडर सच सुपरनेचुरल प्रेशर्स. वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ पोस्ट मॉडर्न डाइवर्स रैशनल इमेजिनेटिव रिलीजन की हैं, वो हैं ऑर्थोडॉक्स इन नेचर. ये मेनली ऑर्थोडॉक्स हैं नेचर में, जिसमें मेनली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कम्प्लीटली बिलीव नहीं करते ऑन द कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो कि ब्रांच हैं पोस्ट मॉडर्न थियोलॉजी का. एक रेडिकल ऑर्थोडॉक्स में हमें गैप देखने को मिलती बिटवीन रैशनलिटी और इमेजिनेशन में. सो जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो बिलीव करते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वर्ल्ड को थ्रू इंट्रैक्शंस विद गॉड, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, थियोलॉजी, और of we can understand fully God through these इसमें हम मतलब इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिलीव करते हैं कि हम इन फिनोमिनास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू द इंट्रैक्शंस विद नॉलेज अबाउट कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी. सो ये गॉड को अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है. एट लास्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें, इसकी वजह से हमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि मेनली बिलीव करते हैं कि जो फुल एप्रिसिएशन है फिजिकल वर्ल्ड की, वो ओनली पॉसिबल है थ्रू द बिलीव इन एक्सलेंस और बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज और परसेप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स. थ्रू जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेल्वेशन कर सकते हैं, मोक्षा कर सकते हैं, निर्वाणा कर सकते हैं, जिसे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं गॉड से. सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक थोड़ा कम्प्लेक्स था, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी अंडरस्टैंड करने में. मैंने आपके लिए अच्छे से डिफ़ाइन किया, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.